नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जुलाई शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की एक खास खबरी। अलवर जिले के बहरूड़ कस्बे में 15 साल के स्टूडेंट ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दिलाने पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा, अब आप कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होंगी, दुनिया का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। स्टूडेंट की मां सरकारी स्कूल में टीचर है और 2 दिन से बेटा मां से ड्रेस दिलाने की जिद कर रहा था। स्टूडेंट की मां का शुक्रवार को 40वां जन्मदिन था। बहरोड के गांव भगवाड़ी खुर्द के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर 40 वर्षीय कंचन के पति की मौत हो चुकी है। विधवा कोटे में उसकी जॉब लगी। कंचन बहरोड के वार्ड 2 में किराए के कमरे में 15 वर्षीय बेटे रोहित के साथ रह रही थी। रोहित बहरोड के एक निजी स्कूल में 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। रोहित की बड़ी बहन मामा की यहाँ रहती है, वह 12वीं क्लास की स्टूडेंट है। 2 दिन से रोहित नई स्कूल यूनिफॉर्म की जिद कर रहा था। माँ को वक्त नहीं मिल रहा था। बर्थडे वाले दिन रोहित से वादा किया था कि शाम को नई यूनिफॉर्म आ जाएगी। जाते जाते डांट दिया तो बेटा सह नहीं सका। रोहित को माँ की डांट ऐसी लगी कि उसने सुसाइड कर लिया। रीट 2021 में पेपर लीक से सबक लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 में सख्ती की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पहले तक ही एंट्री मिलेगी। इस बार सबसे बड़ी राहत यह होगी कि 23 और 24 जुलाई को परीक्षा वाले दिन नेटबंदी नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से पहले ही जिला आवंटित कर दिया गया है। 4 में से लेवल 1 की परीक्षा 1 पारी में और लेवल 2 की परीक्षा 3 पारियों में होगी। रीट में 15,66,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 23 जुलाई को प्रथम पारी में सुबह 10 से 12:30 बजे तक लेवल 1 और दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा होगी। 24 जुलाई को दोनों पारियों में लेवल 2 की परीक्षा होगी। पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे तक प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री गेट बंद हो जाएगा और प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में एक ड्रामेबाज पोते मनीष कटारा ने दादा उदिया कटारा की हत्या कर दी। बदमाश ने बीती रात बुजुर्ग को लातों घूंसों से पीटा। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी वह दादा को लाते मारता रहा। इससे बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हकीकत में युवक बीती रात मध्य प्रदेश स्थित उसके ससुराल से बाइक लेकर लौटा था। आते ही घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए युवक ने बिजली पोल पर चढ़ने का ड्रामा किया। यह देख वहां मौजूद दादा ने उसे रोका और समझाने की कोशिश की। पिता की अनुपस्थिति में युवक का गुस्सा दादा पर फूट गया। युवक ने दादा के साथ हाथापाई की। मौत के बाद से युवक फरार है। मामला दानपुर थाना क्षेत्र का है। भीलवाड़ा के शकरगढ़ सरकारी स्कूल में 13 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी क्लर्क को सस्पेंड किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा है। फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक टीम बनाई है। टीम की ओर से साल 2018 से अब तक के सभी बिल की जांच की जाएगी। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी ने क्लर्क नीलेश को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गबन का आरोपी क्लर्क नीलेश साल 2018 में अपने पिता की जगह नौकरी पर लगा था। ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही स्कूल के बिल में हेरफेर शुरू कर दिया था। अब तक 13 लाख रुपए का गबन कर दिया है। अब टीम की ओर से सभी बिलों की जाँच की जा रही है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र की उदानियों की ढाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर उसके कुछ रिश्तेदारों ने बाल विवाह करने की शिकायत की आशंका में जानलेवा हमला कर हाथ पांव तोड़ दिए। वहीं इस शिक्षक के खिलाफ गांव की एक युवती ने लंबे अरसे से परेशान करने वे शादी के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज करवाया है। शिक्षक से जुड़े दोनों मामलों की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मोतीराम जाट निवासी डाडे की बेरी दसानिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई नखताराम राजकीय विद्यालय में है। विद्यालय की छुट्टी होने पर साइकिल से घर आ रहा था, तभी पूर्व नियोजित तरीके से उसे जान से मारने की नीयत से बोलेरो कैंपर में सवार होकर दसानिया निवासी सुरजाराम जाट व बाबूराम जाट हाथों में लाठियां व लोहे का सरिया लेकर आए। उन्होंने बोलेरो से मोटरसाइकिल को टक्कर मार नीचे गिरा दिया। नखताराम के नीचे गिरते ही पीछे से एक ट्रैक्टर पर सवार होकर हुक्माराम जाट भी आ गया। तीनों ने लोहे के सरियों से नखताराम की जमकर पिटाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली जिले में 8वीं के स्टूडेंट से रेप करने वाले डांस टीचर को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग से अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर कई बार रेप किया था। मामला पाली का है। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट 1 के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया है। मामले में डांस टीचर अजय पंवार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। मामला साल 2014 का है। नाबालिग शहर के एक निजी स्कूल में 8वीं में पढ़ती थी। वह आरोपी संजय
वह डांस टीचर था। एक दिन नाबालिग को अकेला देख आरोपी ने जबरदस्ती छेड़छाड़ कर फोटो खींच लिए। वीडियो की धमकी देकर आरोपी नाबालिग को अकेला देखकर छेड़छाड़ करता था। अलवर के राजगढ़ में धमरेड़ गांव के 38 साल के युवक पर 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन टूटकर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। करंट से झुलसने के बाद युवक को अस्पताल लेकर आया गया, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि धमरेड़ निवासी महेंद्र यादव राजगढ़ टहला बाईपास पर ढाबे के बाहर खड़ा था, तभी अचानक ढाबे के सामने से जा रही 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन टूट गई। करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतक के 3 बच्चे हैं, मृतक खुद ड्राइवर था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर ली है। सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक फ्री इमरजेंसी इलाज मिल सकेगा, चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान या अन्य प्रदेश का निवासी हो। राज्य सरकार ने सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु को कम करने तथा घायलों को तुरंत उपचार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत घायल व्यक्ति का इलाज केवल वे ही निजी अस्पताल में कर सकेंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे, एवं योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए घायलों को कई पहचान या पात्रता नहीं बतानी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा।